ना मंजिल ना कोई साथी, फिर भी निकल पड़ा हूँ एक नए सफर में। तो हेलो गाइज, आप सभी को स्वागत है और नई ब्लॉग में। तो अभी टाइम हो रहा है 12 बजने के लिए, 5 मिनट बाकी है। और अभी ये देख सकते हो काफी खूबसूरत जगह में अभी है। तो यहाँ से अभी स्टार्ट हो रहा है, अभी निकल रहे हैं जोना फॉल के लिए। यहाँ से 20 किलोमीटर दूरी पे है जोना फॉल। तो यहाँ से अभी ऑफ रोड है, मतलब इधर रोड बन रहा है तो उतना बढ़िया रोड नहीं है, तो आराम आराम से चलना चले। अभी ऑफ रोड थोड़ा सा मिलेगा, पूरा पत्थर उत्थर सब भरा पड़ा है। फिर भी मौसम अभी तो भाई साहब काफी धूप कर रहा है। सुबह सुबह तो बहुत ज्यादा बारिश होने जैसे किया था, लेकिन अभी मस्त है। मतलब मस्त क्या बोलेंगे, अभी ज्यादा धूप है, पसीना बहुत ज्यादा हो रहा है, फिर भी अब निकल पड़े हैं। तो अभी पूरा कंप्लीट करेंगे। अभी एक सीरीज चल रहा है अपन लोग का, अपन का वाटरफॉल सीरीज। तो ये थर्ड वीडियो है, तो इसको आप जरूर देखें। इससे पहले वाला नहीं देखना, जाके जरूर देखें ताकि पता चलेगा भाई सब कहाँ कौन सा कितना दूर में है। तो झारखंड की राजधानी रांची से लगभग हर एक वाटरफॉल 40 या 45 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। तो उसी को कवर करने के लिए अभी मैं निकल पड़ा हूँ एक नए सफर में। तो ब्लॉग को एंड तक जरूर देखना, और वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल में पहली बार ना चैनल को सब्सक्राइब करके बोलना नोटिफिकेशन ऑन कर देना, ताकि ऐसे आप लोगों को वीडियो मिलते रहेगा। थोड़ा इस ये आसपास का आप लोगों को नज़ारा एक चक्कर दिखाता हूँ। तो वह यहाँ से आप लोगों को नज़ारा चेक करो, काफ़ी बढ़िया लग रहा है। उधर देख सकते हो कितना पहाड़ है, इधर है हुंडरू फॉल। तो पहाड़ पहाड़ दिख रहे भाई साहब, अभी जंगल जंगल अभी मिलेगा शायद यहाँ से 20 किलोमीटर दूर। यहाँ गांव के लोग बताया गया, और यहाँ रोड बन रहा है तो पत्थर तो बहुत ज़्यादा गिरा है। तो चलो यहाँ से निकलते हैं, बहुत ज़्यादा धूप भी है, बहुत ज़्यादा गर्मी भी लग रहा है, फिर भी मज़ा आएगा भाई साहब। राइड को इंजॉय करते हैं और चिल मारते हैं, क्या कहते हो? चलो सीधे मिलते हैं मोटर ब्लॉक के सेटअप में। तो गए जब निकलते हैं जोना फॉल की तरफ। अरे अभी टाइम हो रहा है 12 बज गया अभी, और इधर पूरा रोड बन रहा है, देख सकते हो रोड का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। पूरे पत्थर पत्थर गिरा है भाई, सब बड़ा बड़ा पत्थर गिरा है, कहाँ से ले रहा है पता नहीं। यहाँ से अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि इसे रोड है, तो इस रोड में थोड़ा सा भगाने नहीं बनेगा, थोड़ा सा ऑफ रोड भी हो जाए, क्या कहते हो। पूरा अभी जंगल जंगल जाना है शायद, ऐसे लग रहा है भाई देख के। और मौसम भी पूरा धूप निकाल दिया, थोड़ा बादल ढकता ना तो मज़ा आता, फिर भी अभी बढ़िया है। गाड़ी में चलते हुए उतना धूप का पता नहीं चलता है, लेकिन जैसे खड़े रहोगे ना तो भाई सब ये भाई ये रहा खतरनाक वाला। यहाँ पे तो भाई कीचड़ कीचड़ है, अभी जंगल झाड़ होते हुए अभी को निकलना है आगे मंजिल की तरफ। सफर का भी मजा लेते हैं, मंजिल बाद की बात देखा जाएगा, क्या कहते हो। ओ भाई साहब यहाँ पूरा ट्रैक सब चल रहा है, क्योंकि अभी रोड बन रहा है ना, तो उसी का आवान जवान पे लगा हुआ है बनाने के लिए। ये देखो भाई सब नज़ारा चेक करो सामने, कितना खूबसूरत है, खूबसूरत बढ़िया। ये वाला रूट आके बढ़िया किया भाई साहब, ये वाला रूट में आना जायज, नुकसान नहीं हो रहा, फायदा ही फायदा इतना है। जंगल के बीच में मतलब वो भी अकेला सफर करना, समझ सकते हो, न जान न पहचान, सब चीज नया नया है। ओ भाई साहब यहाँ और खतरनाक है, देख रहे हो ना, यहाँ पूरा हालत खराब है सब जगह। यहाँ पे अभी पुल बन रहा है ना, तो उसी का बाईपास कर दिया साइड में। ओ भाई साहब निकल जा, निकल गया, थोड़ा सा पानी आता ना तो पूरा कीचड़ कीचड़ हो जाता है, लेकिन अभी पानी नहीं आया तो सूख गया, इसलिए बढ़िया है, आराम से गाड़ी निकल जा रहा है। तो यही चीज़ अगर बारिश होते रहता तो हालत खराब हो जाता है, मतलब बहुत कीचड़ कीचड़ हो जाता है। ये भाई साहब यहाँ भी पुल बन रहा है, गिरना नहीं रुकना नहीं। ओ दे ये दे, खतरनाक ऑफ रोड है भाई साहब, यहाँ तो देख रहे हो ना विनोद, यहाँ नहीं था मत जूता गंदा भाई सब। गया 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 गया, निकल जाओ भाई साहब, बहुत हार्ड था यहाँ पे, बहुत हार्ड हार्ड मिल रहा है अभी यहाँ घर सब। अभी जंगल के बीच में भाई सब देखो, इतना खूबसूरत घर बना हुआ है, बढ़िया है, जंगल के बीच में भी लोग रहते हैं। तो भाई सब कितना अल्टीमेट व्यू दिख रहा है सामने में, चक्कर सब तरफ भाई, मजा आ रहा है, क्योंकि छोटा पड़ जा रहा है। ओ भाई सब खतरनाक रोड है भाई यहाँ तो, जबरदस्त इधर रोड नहीं बना, इधर यहाँ से इधर खराब मिलने वाला है।
वाला तो नहीं ना होगा। चलो मुसाद, कितना ग्रीनरी दिख रहा है, सब तरफ पहाड़ दिख रहे हैं, पहाड़ पर्वत ग्रीनरी सब हरा भरा से भरपूर है, काफी मजा आ रहा है। ऐसे सब तरफ हरा भरा, बीच में रोड ना भाई, सब मस्त लग रहा है। देखो सीन से करो, अरे भाई बोलना कि नहीं दिखा दो, ये रहा, काफी मस्त लग रहा है भाई। यहाँ पे गाड़ी खराब हो चुका है इस रोड में, तो भाई सब खतरनाक खतरनाक भी भाई, जबरदस्त वाला नजारा भाई। देखते देखते समझ रहा हूँ, ठीक हो जाता है, देखते देखते नहीं खाओगे, नोट गिनते ना इतना पैसा है कि नोट गिनते गिनते खत्म हो जाएगा, नोट खत्म नहीं बोलते हैं, वही लोग यहाँ देखने को मिल रहा है, काफी जबरदस्त वाला। अभी जोना वाटरफॉल का गेट में आ गए हैं, तो इधर से आएंगे रांची तरफ से आएंगे तो बाएं की तरफ पड़ेगा, ये है गेट इसका, तो यहाँ से अंदर घुसना पड़ेगा। अभी 5 किलोमीटर दूर यहाँ से बताया गया है यहाँ से मुझे, तो चलो अभी हो गया अपना व्यवस्था, तो अभी निकलते हैं भाई आगे। यहाँ से 5 किलोमीटर तो बोला गया है, अभी 2 किलोमीटर बाकी है, जोना वाटरफॉल पहुँचते हैं, फिर उसके बारे कुछ जानते हैं, कौन सा नदी है, कितना हाइट से गिरता है, रांची से कितना किलोमीटर दूरी पे है, सब बताता हूँ वीडियो में आगे। सब यहाँ भी टिकट है, कितना रुपया टिकट है, 10 रुपये। अभी अपन पहुँच गया, इतना बड़ा बड़ा गाड़ी लेके आता भाई, टूरिस्ट बस। तो गए जो पहुंच गए हैं जोना वाटरफॉल, ये पार्किंग है, पीछे गाड़ी लगा दिया हूँ, अभी आगे निकलते हैं, कुछ पार्किंग का जगह यहाँ कुछ ऐसे है देख सकते हैं, तो अभी आगे निकलना है, इधर से जाना है पता नहीं, आगे जाओ पैदल चलना पड़ेगा, अभी ट्रैकिंग करते हुए अभी निकलते हैं आगे। कितना दूर है यहाँ, शायद है पहुंचे गए पास में, शायद उधर से चढ़ने पे ठीक था, अभी रोड रोड में इधर से आ रहा हूँ इसलिए पता नहीं चल रहा है, और अभी काफी धूप लग रहा है भाई, लेकिन बढ़िया है कुल मिला के बोले तो। चलो पहुंच ही गए, तो गाड़ी इधर ला के लगा सकते थे। ओ भाई साहब, इतना ट्रैक करना पड़ रहा है, पहले बाद जाएंगे तो सीधे शॉर्टकट मारना पड़ेगा। इधर का नजारा चेक करो आप लोग कैसे है भाई साहब, दुर्घटना संभावित क्षेत्र, कृपया धीरे जाएं। कुछ तो भाई सब यार बाइक अभी तो पार्किंग है यहाँ पे, वहाँ का नज़ारा कुछ ऐसा देखो। अभी पहुँच चुके हैं जोना वाटरफॉल, अभी नीचे जाते हैं, नीचे आप लोगों को दिखाता हूँ मैं फूड की इसको वन, इधर से उतरना है, खिड़की देखना पड़ेगा, यहाँ तो खाना पीना चल रहा है, शायद इधर से जाना है। पूरा दुकान सब भी यहाँ भी है, खाने पीने का भरपूर जगह खाना बन रहा है, क्या बन रहा है। तो बढ़िया है, तो जोना वाटरफॉल को यहाँ पास में ही गौतम भगवान बुद्ध का मंदिर है ना, तो इसलिए गौतम बुद्ध गौतम जलधारा भी कहते हैं इसको। इधर है कुछ बढ़िया, तो अभी बना के डालूंगा, तो नीचे जाएंगे तो अपना भाई सब मस्त रहेगा।
यहाँ से स्टार्ट होता है भाई सीढ़ी, इसका भी काफी लंबा सीढ़ी है, यहाँ कहीं लिखा लिखा हुआ नहीं है, सीढ़ी सीढ़ी लिखा हुआ रहता तो पता चलता है कितना नीचे जाना है। यहाँ से व्यू मस्त लगेगा, मस्त दिखेगा, लेकिन पेड़ ज्यादा है ना इसलिए यहाँ ऊपर से उतना नहीं देख छिका जा रहा है, छिका जा रहे हैं, पेड़ नहीं रहता तो भाई साहब अल्टीमेट नजारा आता। बड़ा बड़ा कैमरा लग क्या है भाई, ओ भाई साहब अभी अभी तो मजा आ रहा है, उतरने में कोई दिक्कत नहीं है, चढ़ने में जो दिक्कत होता है ना वो दिक्कत होता है। तो भाई साहब पहुंचने वाले हैं वाटरफॉल, काफी मस्त है भाई नजारा यहाँ का, देखो काफी ब्यूटीफुल है, खूबसूरत, उधर से भी रास्ता है आने का नीचे तरफ जाने का। अलग से कैमरा लगा हुआ है ये ट्रांसमीटर ये ना ट्रांसमीटर है, है ये माइक का, माइक का मतलब हाँ बोलने के लिए तो हाँ बोलने के लिए वैसे नहीं आवाज आता ऐसे आएगा, लेकिन उतना ज्यादा नहीं आएगा ना, तो माइक इधर अच्छा माइक से कनेक्ट है। तो भाई सब काफी बढ़िया है, इधर भी सब दुकान उकान है। तो ये दशम फॉल और जो ना शायद सेम सेम है, हाइट से पानी गिरता है, ज्यादा हाइट में नहीं है ये सब। तो पहले जाते हैं नीचे और दिखाता हूँ मैं आप लोगों को पानी कहाँ से गिर रहा है भाई, कितना हाइट से गिर रहा है तो बता दिया, कौन सा नदी है वो भी बता दिया मैं आप लोगों को, शायद पता चल गया होगा, वहां से दिखेगा नजारा। यहाँ से तो नजारा दिखेगा ही दिखेगा, चले यहाँ जाते हैं तो देखते हैं। ओ भाई मेरे पानी, पानी के बिल्कुल पास में आ गए हैं, मेरे पीछे तरफ देख सकते हो काफी बढ़िया लग रहा है, व्हाइट व्हाइट दूध की कलर की तरह दिख रहा है भाई साहब, यह गौतम जल धारा भी कहते हैं, तो गौतम जल प्रपात भी कहते हैं, जोना फॉल भी है, जोना फॉल का दूसरा नाम है क्योंकि गौतम बुद्ध का यहाँ पे मंदिर है ना, तो उसी का नाम भी रखा गया है। तो इसका कम से कम हाइट है 141 फीट और ये है राडू नदी के ऊपर बना है, तो काफी खूबसूरत है, देख रहे हो दशम फॉल और जोना फॉल शायद ऊंचाई में लगभग सेम ही सेम है, ज्यादा ज्यादा अंतर नहीं है इसका, तो काफी खूबसूरत नजारा है देख सकते हो, काफी बढ़िया लग रहा है भाई साहब। यहाँ तक उसका जो पानी गिर रहा है ना उसका ओस पड़ता है वो यहाँ तक आ रहा है, तो काफी बढ़िया है भाई साहब, मजा आ रहा है, काफी खूबसूरत बादल भी देख सकते हो ऊपर, कितना ज्यादा बादल नहीं है, धूप भी कर रहा है इसलिए पसीना भी बहुत ज्यादा आ रहा है, तो काफी मजा आ रहा है भाई साहब, यहाँ देख रहे हो ना नजारा कुछ ऐसे है। तो चलो पहले एक भी फोटो ले लेते हैं इधर, उसके बाद बढ़िया है।
तो यहाँ पे है छोटा वाटरफॉल, हम लोग दिखाते हैं भाई। वो है बड़ा वाटरफॉल, बड़ा वाटरफॉल ये है, छोटा वाटरफॉल है। अगर नीचे तरफ से आएंगे तो उधर से आपको आना पड़ेगा, उधर से भी रास्ता है, उधर से आके इधर इधर वहाँ से पुल है, पुल है तो उधर से आप यहाँ आ सकते हैं, यहाँ तक आ सकते हैं। देख रहा उधर से भी रास्ता है, लेकिन उधर से बहुत काम पे आते हैं, ज्यादातर इधर ही है। देख रहा है तो चलो यहाँ से आगे निकलते हैं, इधर का नजारा देख लिए, अब निकलते हैं ऊपर की तरफ और उधर। तो गाइस अभी नीचे से पूरा ऊपर आ गए, पूरा सांस फूल रहे, बहुत नीचे जाना पड़ता है घूम घूम के, थकवा दिया भाई साहब। काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी मज़ा आया देख के। बरसात में भी वाटरफॉल देखने के लिए मज़ा आता है, तो बाकी बात में मज़ा नहीं आता है। तो गाइस इस वीडियो का यहीं काम करते हैं, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देना ताकि ऐसे वीडियो मिलते रहे। तो चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। बहुत थका दिया।